और अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की फाइनल वार्निंग का असर वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का फ्रंट फुट पर खेलने का फैसला सामने आ गया। पंजाब के तमाम इंतजामी अमूर अपनी मर्जी से चलाने का ये फैसला किया गया। काबीना और ब्यूरोक्रेसी में रद्दोबदल का इख्तियार भी इस्तेमाल करेंगे। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा आकिब तनवीर से। जी आकिब, बताइएगा वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात रंग ले आई है लगता है। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जो वार्निंग दी गई थी उसके बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जारहाना हिकमत अमली अपनाई है और जो पंजाब के तमाम इंतजामी अमूर है उसको वो अपनी मर्जी से चलाने का फैसला किया गया है। राय के मुताबिक ये जो पंजाब काबीना में रद्दोबदल है, इसके साथ साथ आला अफसरान के जो तकरर तबादले हैं उसमें भी अपनी मर्जी से वो फैसले करेंगे और पंजाब में जो बैड गवर्नेंस और हुकूमत के जो मनफी तासर पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से वज़ीर-ए-आला पंजाब को फौरी हदायत जारी की गई थी कि वो नतज दे, जिसमें मुलाकात में वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को शिकवा भी किया गया कि वो बे इख्तियार है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो बगैर किसी प्रेशर के किसी को भी खातर में ना लाते हुए अपनी समझ के मुताबिक बेहतरीन फैसले करें। और वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो ज़राए से ये कन्फर्म हो रहा है कि पंजाब काबीना के जो गुजरा है उनके महकमों में रद्दोबदल के हवाले से भी जो इख्तियार हैं वो भी इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ जो आला ब्यूरोक्रेसी है उसमें तकर्रुर तबादले और महकमा पुलिस में जो तब्दीलियाँ हैं वो भी किए जाने का इम्कान है। और वज़ीर-ए-आला पंजाब अब खुलकर फ्रंट फुट पर खेलने के लिए तैयार है और अपनी मर्जी से और बगैर किसी की प्रेशर के ऊपर वो तमाम तर फैसले मेरिट के ऊपर भी करेंगे। और बताया ये जा रहा है कि आइंदा दिनों में जो बेहतरीन नतायज हासिल करने के लिए रद्दोबदल भी किया जाएगा वज़रा के महकमों में, और इसके साथ साथ जो ठीक है वज़रा के महकमों में रद्दोबदल भी मुतवक्के है। आकिब तनवीर, बहुत शुक्रिया आपका।